प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर सरकार गोरमेंट हायजी गोर्नमेंट हाय प्रॉपर्टी टैक्स एवर्नमेंट हाय बीजेपी का लगान वापिस लो बीजेपी का लगान वापिस लो बीजेपी का लगान वापिस लो बीजेपी का लगान वापिस लोसो भारत पाता की मोदी चलिया हाय मोदी चलिया हाय मोदी चलिया हाय प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो बंद करो प्रॉपर्टी टैक्स का लगान बंद करो बंद करो प्रॉपर्टी टैक्स का लगान बंद करो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप जब से जम्मू कश्मीर की बागडोर आपने संभाली हुई है तब से आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों को परेशान करके रखा हुआ है आपने जो एक सबसे बड़ी अब परेशानी पैदा कर दी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के जिसको लेकर के हमने जम्मू बंद का आह्वान भी ऐलान किया था और वो बंद कामयाब हुआ लेकिन आपका जो आज ये बयान आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के आ, आ, अपने अपने लोग अवाम जो है वो सुझाव दे आपने टोल फ्री नंबर भी निकाला है तो हम आपको जो सुझाव देते हैं वो ये है कि आप अपने पद से पोस्ट से त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे दें, क्योंकि हम तो आपको किसी भी कीमत के ऊपर सभी टैक्सेस देंगे हर किस्म का टैक्स देंगे लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं लगने देंगे जम्मू कश्मीर को नंबर एक और दूसरा यह सुझाव है कि आप पहले जो नोटिफिकेशन ये निकाली हुई है कि पहली अप्रैल से ये जजिया ये कर ये लगान आप प्रॉपर्टी टैक्स का पहली अप्रैल से लगाएंगे इस नोटिफिकेशन को वापस लें ये दू, दूसरा सुझाव है पहला इस्तीफा दे दूसरा नोटिफिकेशन को वापिस ले और आप कहते हैं कि लोगों से बात वार्तालाप करके आप यह टैक्स लगाएंगे और दूसरी तरफ आपने लागू कर भी दिया है नोटिफिकेशन निकाल दिया है फिर आप वार्तालाप किससे करें चुनी हुई असेंबली नहीं एमएलए नहीं विधायक नहीं जमहूरियत का कत्ल आपने कर दिया है तो किस तरीके से आपसे बातचीत करें और दूसरा हर रोज आप गैर ज़िम्मेवाराना बयान देते हैं कि लोगों के पास आईफोन्स हैं लोग भारत सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते हैं ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं आरोप लगाते हैं तो बेहतर यही होगा कि इन सभी मसलों का हल और दूसरी तरफ वो जो आपने वो रिक्रूटमेंट की एजेंसी एपटेको है उसको लेकर के पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कों के ऊपर है और उनकी आप बात नहीं सुन रहे एक आ, ऐसी फ्रॉडुलेंट एजेंसी को आपने पैसा कमाने के लिए एपटेक को रखा हुआ है और उसको बदल नहीं रहे जिसको नौजवान पढ़े लिखे नौजवान वो नहीं देना चाहते हैं इम्तिहान तो आप वो भी नहीं मान रहे इसलिए सबसे बड़ा बेहतर सुझाव यह है कि आप इस्तीफा दे दें उस नोटिफिकेशन को पहले वापस ले और साथ एपटेक को रखा हुआ है और उसको बदल नहीं रहे जिसको नौजवान पढ़े लिखे नौजवान वो नहीं देना चाहते हैं इम्तिहान तो आप वो भी नहीं मान रहे इसलिए सबसे बड़ा बेहतर सुझाव यह है कि आप इस्तीफा दे दें उस नोटिफिकेशन को पहले वापस ले और साथ में आप कहते हैं कि बुलडोजर जमीनों के ऊपर चलवाएंगे तो आप चला करके तो देखिए ना आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगने देंगे ना प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर हम गरीब आवाम के ऊपर लगने देंगे क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अगर आज लग गया तो कल को इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है वो साजिश यह है कि आवाम के पास नक्शे नहीं होंगे आप उनको कहेंगे नक्शे लाइए मुंसिपल कॉरपोरेशन कॉमेटीज में जाइए नक्शे पास करवाइए घर की पामाइश करवाइए और जिस घर में आशियाने में ना आपने ज़मीनें खरीद के दी हुई है ना मकान बना करके दिए हुए हैं हमने पेट काट काट करके एक वक्त का खाना खा करके अपने घर बनाए हैं लोन से लेकर के घर बनाए हैं और मेहनत से घर बनाए हैं आप उनको भी गिरवी रखना चाहते हैं इस बात को भूल जाइए साहब हम ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे और फिर महाराजा हरि सिंह जी ने जो इलाहाक किया था वो इलाहाक इन शर्तों के ऊपर किया था भारत के साथ कि ना तो हमारी जमीनों के साथ छेड़छाड़ होगी और ना ही हमारे नौजवानों की नौकरियों के साथ छेड़छाड़ होगी लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है खुद तो इसके बड़े बड़े तमाम नेता जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के आपने देख लिया आज बिजली के बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं बिजली के बिल नहीं दिए और लोगों को स्मार्ट मीटर थमा दिए हैं लोगों को भारी भारी बिल आ रहे हैं और इनके बड़े बड़े नेता जो हैं उनके लाखों रुपए के बिल निकल रहे हैं किस बात की बात करते हैं आप आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हम आपसे यही गुजारिश है कि इन तमाम मसलों का आपको लगता है ना प्रॉपर्टी टैक्स आपके लिए एक सरदी बन गया है तो इस सर्दीद से बचिए और इस्तीफा देकर के यूपी बिहार जहां से भी आए हैं आप वापिस चले जाए वहां से आप हारे हुए मेंबर पार्लियामेंट है और जम्मू कश्मीर को आप हर रोज नई नई मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं तो आपसे यही है सुझाव हमारा यही है कि आप इस्तीफा दे दें हम अपनी जम्मू कश्मीर को खुद चलाएंगे चुनी हुई सरकार बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा टैक्स लगना चाहिए आपने तो वैसे ही जम्मू कश्मीर को नीलाम कर दिया बेच दिया हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए हमें स्मार्ट मीटर थमा दिए हमारे माइनिंग माफिया मिनरल माफिया लीक्वर माफिया जमीनें आपने हमसे छीनने का साजिश कर रहे हैं हमारे घरों के ऊपर आप ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या